आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो मैं काफी दिनों बाद बना रहा हूँ। तो जिसको भाई नहीं पता मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम शिवा गैरी है और मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ कैट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद का। और मेरी ब्रांच है सीएस यानी कंप्यूटर साइंस। तो आज के वीडियो में मैं अपने कॉलेज का रिव्यू करूंगा और मैं एक वीडियो सीरीज लाऊंगा जिसमें काइट AKTU के जो ऊपर के कॉलेज है, लाइक जो टॉप 10 कॉलेज है, उनका वन बाई वन करके मैं रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले मैंने अपने ही कॉलेज से स्टार्ट की है और ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो थैंक यू यार जो पेशेंटली वेट कर रहे थे इस वीडियो का। और लाइक जो मतलब मेरा ये क्राइटेरिया रहेगा कॉलेज, हर किसी कॉलेज को लाइक रिव्यू करने का, तो मैं वहाँ के जो मेरे दोस्त वहाँ पढ़ते हैं या फिर जो वहाँ पे जो जूनियर्स पढ़ते हैं, मैं उनसे डायरेक्टली बात करूंगा। लाइक मैं उनकी वेबसाइट पर जो लिखा रहता है उसको मैं डायरेक्टली एज इट इज़ नहीं मानूंगा। एंड जो थर्ड वेबसाइट आती है, जैसे लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी थर्ड वेबसाइट आती है जो रिव्यूज़ करती हैं कॉलेजेस को, लाइक वो हो सकता है ट्रस्टी नहीं है मेरे लिए उतना, वो जितना मेरे दोस्त या फिर मेरे वहाँ के जूनियर्स हैं। तो ज़्यादा कुछ मैं टाइम स्पेंड नहीं करूँगा आप लोगों का इस वीडियो में, फालतू की बातें नहीं करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लाइक स्टार्टिंग से काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद से। तो मैंने कुछ लास्ट टाइम PPT बनाई थी, तो सेम PPT मैं इस्तेमाल करूँगा और मैंने कुछ अपडेशन कर रखे हैं पहले से ही। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद रिव्यूड बाय शिवा अग्रहरी। एंड आई विल टेल यू लाइक आई एम एंड करेंटली परसिंग माई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एट काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद कंप्यूटर साइंस। तो लाइक जो मैं अपने रिव्यूज दूंगा, जो मैं अपने पॉइंट दूंगा, वो मेरे पर्सपेक्टिव से होंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। और कुछ चीज़ें मैं एकदम जेन्युइन ही बताऊंगा, जो मतलब ओवरऑल जैसे कि क्या प्लेसमेंट रहती है, लाइक टीचर एक्सपीरियंस तो डिफरेंट हो कर सकता है मैटर, लाइक बच्चे तो बच्चे तो स्टूडेंट स्टूडेंट मैटर कर सकता है, बट कुछ चीज़ें जेन्युइन सी रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ मैंने लाइक मैंने ChatGPT किया था कि क्या क्या बच्चों की लाइक नीड होती है एक कॉलेज को देखने के लिए। तो इसमें कुछ है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्रेडिटेशन होनी चाहिए, फीस कट ऑफ, हॉस्टल्स, रेपुटेशन एंड रैंकिंग, करिकुलम, फैकल्टी रिसोर्सेज, प्लेसमेंट, एलुमनी नेटवर्क, लोकेशन, कैंपस कल्चर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एंड पर्सनल ओपिनियन, व्हाट इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन पर्टिकुलर कॉलेज। तो लाइक अगर आप लोग कुछ बोर हो रहे हो या फिर कुछ वीडियो में बोर हो रहे हो, तो आप स्किप कर सकते हैं या फिर 1.25 की स्पीड में देख सकते हैं। बाकी मेरा ओपिनियन है कि आप लोग एक ही बार में धीरे से देखिए वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, जो आपने मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करूँगा, सारे डाउट आपके क्लियर ही हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डिटेल, लाइक ये वेबसाइट से मैंने उठाई है उनकी 18.20 का 1 एकड़ का कैंपस। मैंने कैंपस टूर की पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है 18 मिनट की, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। और यहाँ पे 6800 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं और 25 ईयर इसको हो चुके हैं। और कट ऑफ अगर हम बेसिकली बात की जाए, कट ऑफ में यार बहुत क्वेश्चंस आते हैं मुझे, लाइक डेली मेरे को 4-5 लोग पूछते रहते हैं मेरी इतनी कट ऑफ है, मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। यार देखो डिपेंड करता है कि उस टाइम मतलब जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो बच्चे किस प्रेफरेंस में इस कॉलेज को अपने उसमें ऑर्डर करेंगे। लाइक अगर इसको ऊपर ऑर्डर करेंगे तो इसके कट ऑफ हाई चले जाएगी, अगर इसको उतना हाई पे नहीं करेंगे तो इसका कट ऑफ लो चले जाएगी। लेकिन जो प्रीवियस का लाइक प्रीवियस ईयर के जो नतीजे हैं, तो उसमें 80% सेफ स्कोर। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 78 या फिर 77 है तो आपका बिल्कुल ही चांसेस नहीं है, बट चांसेस हैं, तो आप अगर 80 पे हैं तो सेफ हो सकते हैं एज पर माई ओपिनियन। तो प्लेसमेंट की बात करते हैं यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक इसकी मैं बात बाद में करूंगा क्योंकि बहुत ही डीप में जाएगा प्लेसमेंट वाला सीनैरियो यहाँ पे। अगर आपको डायरेक्टली प्लेसमेंट देखना है तो आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा और आके, बाकी हम और चीज़ें के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ब्रांचेस बहुत ही मैटर करती हैं किसी भी कॉलेज में और आपके लाइक लाइफ स्टाइल में भी और आपके करियर में भी। तो यहाँ पे बेसिकली 6 ब्रांचेस हैं कंप्यूटर कंप्यूटिंग की, लाइक CSE, IT, CS, CSIT, CSAI, CSAIML, ECE, EN, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। बात करूँ CSE ब्रांच की, जो CSE ब्रांच है वो हमारी काफ़ी पुरानी ब्रांचेस है, लाइक जब भी हमारा कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था तो उसी के साथ ही ये भी ब्रांच आई थी, और CSE और IT ब्रांच। बात करूँ मेरी ब्रांच की, जो कि कंप्यूटर साइंस है, यानी CS ब्रांच है और CSIT ब्रांच है, इसको आए हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं कॉलेज में हमारे। और जो हमारी लेटेस्ट ब्रांच है CSAI और CSMI, इस AIML, इसको ऑलमोस्ट 2 साल के अप्रॉक्स हो चुके हैं। जो बाकी और जो कोर ब्रांचेस हैं वो तो स्टार्टिंग से ही थी, और इनमें से कुछ ब्रांचेस NBA एक्रेडिटेड हैं और कुछ ब्रांचेस NBA एक्रेडिटेड नहीं है। NBA एक्रेडिटेड का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपके प्लेसमेंट पे, बट और भी चीज़ें हैं जिससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है।
लाइक इन माई केस जो मेरी ब्रांच थी उस टाइम पे एमबीए एक्रेडिटेड नहीं थी ये, तो मेरे को स्कॉलरशिप में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी और नहीं मिली थी एससीएस वाली ब्रांच में। बट अभी का मुझे नहीं पता है कि क्या दिक्कत स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्या दिक्कत है इसमें, लाइक इसमें मिल रही है नहीं मिल रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं शायद एलिजिबल नहीं हूँ उसके लिए। तो और हम बातें करते हैं थोड़े से डेप्थ में, तो ओके या फीस, तो जो भी फीस स्ट्रक्चर है लाइक अभी मैंने इनकी वेबसाइट से उठाया है 1,38,999 रुपीज़। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, जब आपको कॉलेज में लाइक काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट होगा तो कॉलेज वाले बुलाते हैं एक दिन लाइक आपके डॉक्यूमेंट के साथ, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा जो मैंने टाइम अपने टाइम पर बनवाया था। तो पूरी फीस लेते हैं 1,38,999, पूरा डिमांड ड्राफ्ट लेंगे। और अगर आपको हॉस्टल्स लेने हैं तो आप रेट देख सकते हैं इन पे कैसे हैं, लेकिन अभी काफ़ी महंगे हो चुके हैं हॉस्टल, जब मैं आया था तो आई गेस 90 या फिर 88 के आसपास थे, अब तो 1 लाख टच हो रहा है। और एक्स्ट्रा फीस भी होती है 7,865 फॉर लाइक जो भी हमारा चार्जेस होता है ए के टी यू एग्ज़ाम कराती है, उसको हर साल हमें इतना पे करना पड़ता है डायरेक्टली साइट पे ए के टी यू की। तो यार लाइक जो फीस है, फीस का जो स्ट्रक्चर है ये ऑलमोस्ट जितने भी ए के टी यू के जो टॉप 10 में आते हैं कॉलेजेस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत कम है, लेकिन इसका क्राइटेरिया मतलब इसका जो फीस का होता है स्ट्रक्चर वो सेम होता है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आपको फ्री में कॉलेज में पढ़ना है, किसी भी ए के टी यू के फ्री में कॉलेज में पढ़ना है, तो इसके लिए मैं दूसरी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप फ्री में पढ़ सकते हैं कॉलेज में, ठीक है। तो हम बात करते हैं और टॉपिक्स की, हॉस्टल्स, अगर आप हॉस्टल्स ले रहे हैं तो आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, ईयर वाइज डिवाइडेड है, हर ईयर का अलग अलग हॉस्टल्स है। फर्स्ट फर्स्ट ईयर का वैसे बताया था सीवी रमन चंद्रगुप्त, और टैगोर इज फॉर सेकेंड ईयर, आर्यभट्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ ये आर्यभट्ट थर्ड ईयर का, एंड विवेकानंद इज फॉर फोर्थ ईयर। गार्गी सरोजनी सरस्वती 3 हॉस्टल लड़कियों के हैं, तो वो आप लोग देख लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है आई गेस, मैंने बता रखा है वीडियोज़ में। और फूड कोर्ट भी मैंने बता रखा है, एक बार ये वाली वीडियो देखने से पहले मैं पूरी पुरानी वाली काइट की वीडियो देख लीजिएगा। प्रोज यार, प्रोज ये है कि गुड कोडिंग कल्चर, एंड गुड कोडिंग कल्चर कॉलेज में बहुत ही अच्छा, लाइक कॉलेज जो है वो काफ़ी ग्रोइंग फेज में, मतलब मैंने नोटिस किया है जितने भी और कॉलेजेस हैं ए के टी यू में ही, उनका ग्रोइंग माइंड सेट थोड़ा सा हट चुका है, लाइक लेकिन जो काइट है वो उसका ग्रोइंग माइंड सेट काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ की जो फैकल्टी है, जो यहाँ की ऑफिशियल्स लाइक जो टीचर्स हैं और जो भी इनका प्लेसमेंट स्टाफ है वो काफ़ी हेल्पफुल है, और वो लाइक अप्लीकेशन पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं, लाइक मॉडर्न मॉडर्न पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ठीक है। और ये आई गेस बेस्ट कॉलेज है ए के टी यू का, मैं बताऊंगा क्यों बेस्ट कॉलेज है। और जब मैं अपने टाइम पे मैंने बनाई थी बेस्ट कॉलेजेस की एक सीरीज बनाई थी, टॉप 3 कॉलेजेस थे मेरे रैंक पे, लेकिन उस समय ये आई गेस दूसरे तीसरे नंबर पर था, बट अभी इस समय मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट कॉलेज है। जितने मैंने अपने दोस्तों से बात की जो मैं और कॉलेज में रह रहे हैं, तो मैनेजमेंट इज हाईली एक्टिवली एंड रेगुलरली वर्किंग इन इम्प्रूविंग, लाइक इनका मैनेजमेंट बहुत ही यार एक्टिव है, तो ये कभी कभी नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो हमारे बेनिफिट के लिए हो रहा है, तो इट इज़ बेनिफिट फॉर अस। कॉन्स थोड़े से हैं, लाइक छोटा कैंपस है, बट और किसी भी कॉलेज से कंपेयर किया जाए के टी यू के तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने मैंने देखे हैं कॉलेजेस के टी यू में तो इतने ही आसपास होते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं बड़े, ठीक है। और ये एक लोकेशन बहुत ही बड़ा फैक्टर करता है इसमें, क्योंकि आउटर में कॉलेज एकदम, ये अगर हमें कहीं जाना होता है गाजियाबाद या फिर नोएडा दिल्ली, तो हमें लगभग कम से कम 1 घंटा तो मान के चलिए, और इसके ज़्यादा भी अगर दिल्ली जाना था तो 2 घंटा जाने में फिर और 1.5-2 घंटा आने में लगता है, तो ये एक मेजर इशू है, ठीक है। और कभी कभी अटेंडेंस में स्ट्रिक्टनेस, एंड स्ट्रिक्टनेस तो बहुत होती है अटेंडेंस में, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है अटेंडेंस का इशू, तो ठीक है आगे बढ़ते। मैंने पुराने वीडियोज़ में कवर कर रखे थे मैंने वैसे, तो ठीक है। तो समरी ये है कि यार कॉलेज ट्राई करो लेने की, ठीक है, वन ऑफ द ग्रोइंग कॉलेज है ए के टी यू का, यानी कि ये है, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या बेनिफिट है इस कॉलेज के, कंपेयर भी करूंगा कुछ कॉलेजेस को टाइप से। तो हम आ जाते हैं प्लेसमेंट पे सीधा, तो यार ये जो मैंने प्लेसमेंट वाली पिक्चर लगा रखी थी वो 2022 की थी, और 2022 में आप लोग को पता वैसे नहीं होगा, लेकिन 2022 की जो हमारी प्लेसमेंट थी वो 1 नंबर की थी, टॉप नॉच की थी। और वो प्लेसमेंट लाइक वो ऐसा जो प्लेसमेंट का टाइम था जहाँ पे बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट लग रही थी, सबकी अच्छी अच्छी लग रही थी, बट उसके बाद हमारा जो रिसेशन स्टार्ट हुआ आई टी इंडस्ट्री में,
उसकी वजह से प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है हर कॉलेजेस की, काइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भी कॉलेजेस की, ठीक है। तो हम काइट का थोड़ा सा देख लेते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके कुछ, तो उनकी वेबसाइट ऐसे ही सी है कुछ, ठीक है। जैसे मैंने डाटा ये उठाया था, 6800 स्टूडेंट पढ़ते हैं और 18.20 एकड़ कैंपस है। और कुछ एक्रेडिशन की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये इसको NBA एक्रेडिशन मिली है, कुछ ब्रांचेस को नहीं मिली है जो नहीं आएंगी है, जो कैपेबल नहीं है, लाइक उस पर शायद मैंने देखा है NBA एक्रेडिशन के लिए आई गेस 4 साल का होना चाहिए मिनिमम टाइम पीरियड किसी उसमें, तो अभी 2 साल हुए हैं उसमें, शायद 2 साल बाद हो जाए, ठीक है। और NAEC एक्रेडिशन है, इसमें A+ मिला है, और भी बहुत सारी एक्रेडिशन है, लाइक उतना मैटर नहीं करता, बट अगर आपके कॉलेज में हो तो बहुत ही बेटर है एक्रेडिशन वगैरह, और बहुत सारी एक्रेडिशन आ गई, ठीक है। बट लेकिन कॉलेज ट्राई करते हैं बहुत सारी एक्रेडिशन, बहुत सारे सर्टिफिकेशन लेने का, ठीक है। तो लाइक अगर आप बीटेक करें तो आपका मेन मोटिव जो, मतलब जितना मैंने अभी नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, वो प्लेसमेंट का होता है यार। तो प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड हम एक बार देखते हैं। वैसे पुराना डाटा दे रखा है 2022 का ही, 2023 का डाटा मुझे इनकी ऑफिशियल साइट पे तो नहीं मिला है, ठीक है। बट अभी जो मैं स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ अपने सीएस डिपार्टमेंट का, तो मुझे थोड़ी बहुत इंटरनल खबर है कि क्या चल रहा है सिनेरियो प्लेसमेंट सीन का हमारे यहाँ। यार प्लेसमेंट का सीन ये है कि यार कंपनियाँ लाइक आ रही हैं, मतलब उतनी, जैसे कुछ कंपनियाँ पहले थी वो ज़्यादा लेके जा रही थी हैवी अमाउंट में बच्चों को, लेकिन अब थोड़ा सा कम लेके जा रही है, तो ये थोड़ा सा इशू है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो लाइक प्लेसमेंट ले नहीं रही हैं, कुछ फ्रीजेस करें, तो ये थोड़ा इशूज़ हैं। बाकी कॉलेज अपनी तरफ से पूरी ट्राई करता है कि कंपनियों को लेके आए, और काफ़ी अच्छा माहौल इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखा है कॉलेज के कैंपस के अंदर। और अभी जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो हम लोग का स्टार्ट हो चुका है कैंपस के ड्राइव आना स्टार्ट हो चुका है, अभी लाइक 4 या 5 कंपनी आ चुकी हैं ऑन कैंपस। हमारी यहाँ एक सुपर सेट करके एक सॉफ्टवेयर कॉलेज वालों ने परचेज किया है, उसके अंदर हम लोगों ने अपनी पूरी डिटेल डाल रखी है, और कोई भी कंपनी जब आती है तो हमें एक नोटिफिकेशन वहाँ से आ जाती है, और उसके अनुसार वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। बाकी कॉलेजेस में, मतलब मैंने एक कॉलेज, तो वहाँ पे बहुत ही गंदा सिस्टम था यार, वहाँ पे तो मतलब ERP वगैरह को भी बहुत दिक्कत हो रही थी, और उनको मार्क्स वगैरह भी देखने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इस मामले में काइट बेटर है यार, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। ERP पोर्टल हमारे बच्चे हैंडल करते हैं, मतलब मेरा ही दोस्त एक है वरुण कुमार तिवारी, ERP हैंडल, वो ERP टीम में है, वो बच्चे यहाँ के हैंडल करते हैं ERP टीम, और भी बहुत सारी, लाइक अगर आप यहाँ वेबसाइट देख के, आप काइट की वेबसाइट देख लीजिए और कॉलेज की वेबसाइट देख लीजिए, काफ़ी आपको डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। बाकी प्लेसमेंट का मेन सिनेरियो अगर देखता हूँ 2023 का कहीं डाटा दिया हो तो, 2022 का ही देखो डाटा दे रखा है, 23 का भी तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं है डाटा, आई गेस देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी यार ERP इनका ERP है, मैं एक बार दिखा देता हूँ ERP कैसे है। ये काइट लाइक हम लोग बच्चे ही मैनेज करते हैं, बहुत ही बेटर है ये, मतलब बाहर के कॉलेज में ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और कुछ प्लेसमेंट का यार, लाइक और भी कॉलेजेस से बात करें प्लेसमेंट के मुकाबले में, तो आपको चेंजेस मिलेंगे हल्के फुल्के, लाइक यहाँ का जो मैनेजमेंट है प्लेसमेंट का वो बेटर है, काफ़ी ज़्यादा लाइक एक्टिव है जिसको बोल सकते हैं, ट्राई करता है प्लेस अच्छे अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी आने पे, और बाकी वो बच्चों पे डिपेंड करता है। एक मेरे सर हैं, सीनियर हैं, अभी भी उनका फेयरवेल हुआ है, उनकी प्लेसमेंट इतनी गजब की लगी है, ऑफ कैंपस था उनका, और उनकी क्रेड में लगी है, और क्रेड में काफ़ी अच्छा पैकेज है उनका, और आप देख सकते हैं क्रेड में कितना पैकेज होता है, शायद मैं बता नहीं पाऊंगा उतना कितना पैकेज है, मुझे शायद मना किया है उन्होंने ऐसे पैकेज बताने से, तो लेकिन उनका पैकेज बहुत ही कमाल का लगा है, ठीक है। वो उन्होंने ऑफ कैंपस ट्राई किया था, और काफ़ी लोगों का लाइक हाईएस्ट अभी गया है, ऑफिशियली गया है 48 लाख, बट इससे भी ज़्यादा। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए यार, मेरा कॉलेज जो जो कि तुम जितने भी टॉप के कॉलेज उठा लो, AKTU की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, अगर आप AKTU की कोई सभी कॉलेज उठा के देख लो, तो काइट कहीं किसी से भी कम नहीं है इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक लिटरली मैं बता रहा हूँ। मैं अभी रिसेंटली एक कॉलेज गया था, जेल बजाज, मैंने उसकी कैफेटेरिया देखा, बिल्कुल भी, मतलब हमारे कॉलेज का कैफेटेरिया जो कैफेटेरिया वाला पार्ट है, और उनका कैफेटेरिया में बहुत ज़्यादा अंतर है, लाइक साफ़ सफाई, मेंटेनेंस, दिखने में कैसा है, बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें बेटर हैं, मतलब अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो आप उसकी बुराई बहुत करते हो, बट अगर आप किसी और कॉलेज में जाओगे
बातें करोगे उनके स्टूडेंट से तो आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं आपका कॉलेज भी बहुत बेटर है। लाइक मैंने अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त से बात की थी, JSS में पढ़ता है वो, और उसने अपने कॉलेज की बातें बताई तो मैंने लगा नहीं यार मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा बेटर है इस मामले में, लाइक प्लेसमेंट में और एक्टिवली पार्टिसिपेशन में और बहुत सारी चीज़ों को जो हमने टेक पे लाए, ERP हमारे पास है, लाइक सारे जो हमारा होता है छोटी छोटी जैसे अटेंडेंस मार्क्स वो हमारे ERP पोर्टल पे होता है, हमारी अटेंडेंस ERP पोर्टल पे चढ़ती है, हमारे मार्क्स ERP पोर्टल पे चढ़ते हैं, और लाइक ये बहुत कॉलेजेस में नहीं एक्वायर किया है अभी, बट हमारा कॉलेज लाइक काफ़ी फास्ट ग्रोइंग एक्सेप्ट करता है चीज़ों को, चेंज को काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी लाइक फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगी कॉलेज के अंदर, इसलिए बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर में आपको कॉलेज के अंदर स्ट्रिक्टनेस मिलेगी, और अभी शायद हमारा कॉलेज शायद ऑटोनोमस हो रहा है, मुझे आइडिया नहीं है इसका ऑटोनोमस हो रहा है या नहीं हो रहा, बट शायद से ऑटोनोमस हो जाए पता नहीं मुझे, तो थोड़ी सी लीनियंसी हो सकती है क्योंकि हमारे हाथ में करिकुलम रहेगा तो थोड़ा सा हो सकता है। और यार बात करूँ यार अटेंडेंस यार काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती है, 75% अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है तो आपको CTs और में बैठने नहीं दिया जाता, तो आपको मेकअप टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, वो एक थोड़ा सा इशू है, बाकी तो ठीक है, और फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस फेस करने को मिलेगी, और मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे ऊपर, देखता हूँ मैंने कवर किए कि नहीं किए, वैसे कवर कर लिया होंगे मैंने मेनली, तो आई गेस मैंने पहली प्राइस पे लिखी या बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है। एक्रेडिशन ऑलमोस्ट NAAC का ए वाला एक्रेडिशन हमारे पास, NBA एक्रेडिशन है, कुछ ब्रांचेस कट ऑफ्स मैंने बता रखे हैं कि ऑलमोस्ट आपको 80 लानी पड़ेगी अगर आपको कंप्यूटिंग ब्रांच चाहिए। ठीक है, बट चेंज हो सकता है कट ऑफ्स में, क्योंकि लाइक मैंने लास्ट ईयर का देखा था तो 80 पे होगा, तो आपकी बार का मुझे ट्रेंड पता नहीं है, क्योंकि वो हो जाता है ना लाइक बच्चे किस ऑर्डर में फिल कर रहे हैं वो कॉलेजेस। ठीक है, फीस मैंने बता रखी है, हॉस्टल मैंने देख रखा है, रिप्यूटेशन और रैंकिंग। रिप्यूटेशन की बात करूँ, काइट AKTU का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, मेरे टाइम पर मुझे AKG काइट JSS तीन में से एक चूज करना था, JSS में शायद मुझे IT ब्रांच मिल रही थी, और AKG और काइट AKG JSS मुझे मिल नहीं रहा था, AKG और काइट मैंने काइट लिया था, मैंने उस समय बोला था मुझे अगर JSS मिल जाता तो मैं काइट छोड़ देता, बट मैं इस समय बोल रहा हूँ कि मुझे अगर JSS मिल जाता अभी भी तो मैं JSS ना लेता, मैं काइट ही लेता। ठीक है, ये लाइक मैंने ऑब्जर्व किया है चीज़ों को काइट के अंदर, और JSS में मेरे एक दोस्त पढ़ता है उसने जो मुझे बताया है, और वहाँ पे मैं मतलब रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे लाइक बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें कराते हैं जो JSS नहीं कराता है और कॉलेज नहीं कराते हैं। ठीक है, फैकल्टी एंड रिसोर्सेज, फैकल्टी यार तो एवरेज है, एवरेज नहीं कह सकता हूँ मैं, कुछ बहुत अच्छी हैं कुछ नॉर्मल है। ठीक है, मैं फैकल्टी टीचर का नाम लेना चाहूँगा, हमारे सर है राजकुमार सर, मैंने उनसे TEFL पढ़ी थी, लिटरली बता रहा हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ जो मतलब सारी चीज़ें यूट्यूब से पढ़ता हूँ, बट मैंने TEFL का एक अक्षर यूट्यूब से नहीं पढ़ा, सारे उनके पढ़े, और मेरे TEFL में 84 मार्क्स थे AKTU के अंदर, बहुत बड़ी बात होती है 84 मार्क्स, लाइक कॉपी पता नहीं कैसे करते हैं AKTU वाले भी हम, लेकिन 84 मार्क्स थे मेरे TEFL के अंदर, मैंने एक अक्षर यूट्यूब से नहीं पढ़ा, सारा उन प्रोफेसर से पढ़ा था, तो थैंक यू राजकुमार सर। और प्लेसमेंट और एलुमनाई नेटवर्क की बात करते हैं, प्लेसमेंट और एलुमनाई नेटवर्क की बात करते हैं, पहले प्लेसमेंट की बात करते हैं यार, प्लेसमेंट यार प्लेसमेंट क्या होता है, देखो प्लेसमेंट क्या होता है, जो प्लेसमेंट सेल होता है वो ट्राई करता है अच्छी अच्छी कंपनियों को कॉलेज में लाने की, तो जो हमारा प्लेसमेंट सेल है वो बहुत ट्राई करता है अच्छी अच्छी कंपनियों को कॉलेज में लेके आने की, बहुत बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आती है कॉलेज में। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर AKTU कॉलेजेस हमारा प्लेसमेंट सेल टॉप नॉच है आई गेस, और जितना मैंने बात किया दूसरे कॉलेज के प्लेसमेंट बच्चों से तो उनका प्लेस, तो बात करते हैं एलुमनाई नेटवर्क की यार, एलुमनाई नेटवर्क का बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि मेरे एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छे हैं कॉलेज में, और बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे क्लब्स हैं, उस वजह से हमारे पास एलुमनाई नेटवर्क बहुत बड़ा है, और एलुमनाई नेटवर्क को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक पूरा क्लब है, काइट एलुमनाई एसोसिएशन करके कार जिसका नाम है, और एक और क्लब है जो भी एलुमनाई को भी देखता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी हम लोग इन्वेस्ट मतलब एलुमनाई मीट कराते हैं, लाइक ऑनलाइन मीट होती है, ऑफलाइन मीट होती है, और अभी दो मीट हुई थी, तीन मीट हुई थी, एक कल्चरल ऑनलाइन एलुमनाई मीट हुई थी, और एक स्पोर्ट एलुमनाई मीट हुई थी, एक म्यूजिक एलुमनाई मीट हुई थी, तो मतलब महीने या 2 महीने में एलुमनाई मीट कॉलेज के अंदर ही होती रहती है, और जो एलुमनाई बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं उनकी एक टॉक रखी जाती है, तो बहुत ही अच्छा है चीज़ें। बात करते हैं लोकेशन की, लोकेशन बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है यार कॉलेज के लिए, बट कंपैरिजन करें और भी चीज़ों से, और भी ज़्यादा चीज़ों से, तो उतना लाइक मैं एक लोकेशन के लिए मैं इसको छोड़ के मैं किसी और कॉलेज में तो मतलब नहीं जाऊंगा आई गेस, क्योंकि लोकेशन क्या क्या यार, मैं 1-2 घंटे लगा के मैं दिल्ली घूम लूंगा तो 1-2 घंटे इन्वेस्ट हो जाएगा मेरा,
बट आप जो 4 साल देते हैं, आप किसी कॉलेज में देते हैं, आप उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस करिकुलम में रहते हैं, उस माहौल में रहते हैं, तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है यार। अगर मेरा कॉलेज नोएडा में होता तो मज़ा ही आ जाता है, बट ठीक है यार, कुछ चीज़ें नहीं मिलती ज़िंदगी में, ठीक है, इट्स अ लाइफ। और कैंपस कल्चर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की मैं बात करूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा कैंपस कल्चर है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है हमारे कॉलेज में, चाहे छोटी हो, ठीक है। एक मैंने AKG के साथ, AKG में मेरा दोस्त पढ़ता है, उसके मैंने पॉडकास्ट किया, तो उसने बताया था AKG में मतलब बहुत कम कैंपस कल्चर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। और मेरी वीडियो देख देख के वो भी कहता है यार कहाँ मैं फंस गया, अगर कैसे बोलता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में यार। ऐसे कि हमारे पास अभी एक मेजर फेस्ट हुआ था, इपॉक और प्रस्तुति, इंटर कॉलेज और इंटर कॉलेज करके स्पोर्ट फेस्ट होता है रण, और एक और फेस्ट होता है स्पोर्ट में ही, और इस तरह करके 3-4 और फेस्ट होते हैं, एक और छोटे छोटे फेस्ट होते रहते हैं हमारे कॉलेज के अंदर, ठीक है। और हमारे इतने सारे क्लब्स हैं, लाइक अभी रिसेंटली क्या होता, पिछले महीने तो हर हफ्ते कोई ना कोई इवेंट होता रहता था कॉलेज में, सबसे बढ़िया बात, बहुत सारे क्लब्स हैं तो बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं कॉलेज में। लाइक रिसेंटली हम लोगों ने तीन तीन हैकाथॉन कराई थी बड़े लेवल पे, एक इनोगिक्स ने कराई थी, एक DSC ने कराई थी, और एक ESIL ने कराई थी, काफ़ी बड़े लेवल पे, ठीक है। और इसका टेक टॉक्स हुई थी, फिर एक आईना करके हुआ था, काफ़ी चीज़ें हो रखी है कॉलेज में हमारे। और हम बात करते हैं अब मेरे पर्सनल ओपिनियन की, ठीक है। अगर आपको कॉलेज लेना है AKTU में, ठीक है, अगर आपके ठीक ठाक रैंक है, अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो ले लो। थोड़े से कॉन्स हैं, कॉन्स ये है कि मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, टाइम बहुत कम मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर में, शायद स्ट्रिक्टनेस इसलिए ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है थोड़ी सी। और लोकेशन थोड़ा छोटा कैंपस है, बट वो वेल ऑर्गेनाइज है तो आपको लगेगा नहीं ज़्यादा छोटा, ठीक है। और प्रोस तो मैंने बहुत सारे बताए हैं, लेकिन कॉन्स बता दे रहा हूँ कि स्ट्रिक्टनेस है और लोकेशन, और 75% स्ट्रिक्टनेस वो हर कॉलेजेस में होती है, बट यहाँ पे अगर 75 के नीचे है तो आपको सिटी में लाइक नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको मेकअप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, मेकअप टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। और अगर मुझे चूज़ करना अभी पड़े तो मुझे सब में ऑप्शन हो कि मैं AKTU की बात कर रहा हूँ, और किसी कॉलेज में मत जाना, तो मतलब और किसी कॉलेज का मुझे ज़्यादा नहीं पता आइडिया। AKTU में बात करो, अगर मुझे ऑप्शन मिले कि अभी कौन सा कॉलेज मैं चूज़ करूँगा, तो नन अदर देन काइट, क्योंकि और भी कॉलेजेस में मैं जा चुका हूँ, लाइक मैं GL बजाज जा चुका हूँ, AKG एक बार गया था, GSS में मेरे रिसेंटली जाना है, और ABS में जा चुका हूँ, तो मैं काफ़ी कॉलेज में जा चुका हूँ, और मेरे वहाँ पे अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैंने बात करी है जितना भी, तो उनसे बात करके मुझे लाइक ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा ही कॉलेज बेटर है उन सबसे काफ़ी ज़्यादा। वो अलग बात, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है फर्स्ट ईयर में, और लोकेशन वाइज थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, बट और भी चीज़ें देखी जाएँ तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कोडिंग का माहौल, और प्लेसमेंट से जितना हमारा एक्टिव है, और भी जो हमारी चीज़ें इतनी मॉडर्न लेवल पे चल रही हैं, लाइक ERP वगैरह और पोर्टल्स, जो हमारे जो चीज़ें हार्ड कॉपी में होता है वो हमारे सॉफ्टवेयर में है, तो ये चीज़ें देख के लगता है ग्रोइंग है, और अगर हमारा इंस्टीट्यूशन ग्रोइंग होगा तो हम भी ग्रोइंग होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी यार अगर आप लोग को और भी कोई डाउट हो यार, प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर देना। बाकी मैंने ट्राई किया है अपनी तरफ से, पूरा पूरी कोशिश की है कॉलेज में एडमिशन लेने, पूरा कॉलेज को क्लियर करने के लिए, कैसा कॉलेज है मेरा। और लाइक मैं एक भी आप पॉइंट लिख सकते हैं कि मैं किस किस पॉइंट को कवर करूँ किसी भी कॉलेज को रिव्यू करने के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए भी। और आप एक कमेंट, बाकी यार आप लोग कमेंट करके बताइएगा अभी नेक्स्ट कॉलेज कौन सा मैं कवर करूँ, और अब अगर आपको कोई भी डाउट हो यार प्लीज़ कमेंट करना, मैं पक्का 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 रिप्लाई करूँगा आपकी, मैं करूँगा, ट्राई करूँगा। और मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, और जितने भी लोगों के इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेजेस पेंडिंग है मैं उनको रिप्लाई कर दूँगा, थोड़े दिनों के अंदर सारे रिप्लाई मैं कर दूँगा। और अगर यार वीडियो में कोई भी सजेशन देना हो मुझे प्लीज़ बता देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और कॉलेज को रिव्यू करूँगा। और अगर आपकी कोई भी डिमांड हो, लाइक किसी कॉलेज वर्सेस किसी कॉलेज कराना हो, तो प्लीज़ बताना। तब तक के लिए बाय बाय।